ये देखिए हमारी लौकी की चिक्की विद रबड़ी प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आइए इसी तरह से हम आपको सिखाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। चलिए हम आपको सिखाते हैं कि लौकी की चिक्की कैसे बनती है। ये देखिए मैं लौकी को छील ले रही हूँ और जब लौकी छिल जाए आपकी तो इसको देसी घी में फ्राई कर लीजिए। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है, अपनी लौकी को हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई गरम हो रही है, ये हमने कढ़ाई ले ली है, अपनी लौकी को फ्राई करेंगे। ये 2 टेबल स्पून हमने घी लिया हुआ है, अब इसमें हमने जो अपनी लौकी कट करके रखी हुई है उसको ये हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाकर ढक देंगे। ध्यान रहे कि लौकी को बीच बीच में चलाते रहना और जब तक ये सॉफ्ट नहीं जाती तब तक इसको ढक कर पकाना। ये लौकी हमारी पक रही है, तब तक आइए हम लोग अपने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेते हैं। हमने काजू को कट कर लिया है, अब हम लोग 2 पीस में बादाम को भी कट कर लेते हैं। लौकी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अभी हमको एक बार और ढक के पकाना है। ये देखिए लौकी हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें हम अपनी 1 कटोरी चीनी डाल दें। लौकी की हमको चिक्की बनानी है तो इसलिए लौकी में चीनी ज़्यादा पड़ेगी। अब हम इसमें जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए अच्छे से, दोनों लोग बाइंड ना हो जाए, तब तक हमको इसको पकाते रहना धीमी आंच। ये देखिए लौकी ने कितना पानी छोड़ दिया होगा। अब हमको इसको तब तक पकाना है जब तक इसका चीनी और लौकी मिक्स ना हो जाए, ड्राई हो जाए। ये देखिए हमारी लौकी अच्छे से फ्राई हो गई, चीनी भी ड्राई हो गई है। अब हम इसमें ये खरबूजे के बीज जो लिए थे उसको डाल देंगे थोड़ा और थोड़ा गार्निश के लिए रखेंगे। जो हमने कद्दूकस करी हुई है वो इसमें डाल देंगे और ये हमारी चिक्की तैयार। अब हम अपनी लौकी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं जो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई। अब हम इसमें अपनी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो 2 लीटर दूध हमने लिया था, इसके हम रबड़ी तैयार करें। ये देखिए हमारे दूध में बॉयल आने लगा, इसको हमको चलाते जरूर हैं। ये देखिए हमारी रबड़ी बन गई है,
और ये मैंने चिक्की के पेड़े बना के रख लिए। ठीक है, इसको आप, मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर, फूड कलर जो आता है वो डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो नेचुरल भी रख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं अपनी चिक्की को। ये हमारी चिक्की, इस तरह से हमको उसको डेकोरेट करना है। और ध्यान रखें कि जो हमारी रबड़ी बन रही है उसमें चीनी हमको बहुत कम डालनी है, क्योंकि ये हम चिक्की के साथ रबड़ी लेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसके साथ हमको अपनी रबड़ी की मिठास थोड़ी कम रखनी होगी। ये देखिए हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने काजू से डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसको अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चिक्की सर्विंग बाउल में 2 चिक्की लगाई। और ऊपर से रबड़ी डाली। दूसरे में भी हम लगा लेते हैं ऐसे। अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं। ये खरबूजे के बीज, काजू, आप जो आपको सही लगे, ये गरी का बुरादा, और ये ध्यान रखें थोड़ी सी केसर। बादाम लगा दीजिए, डेकोरेशन में अच्छा लगेगा। बन गई ना हमारी लौकी की चिक्की यम्मी रबड़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये देखिए हमारी लौकी की चिक्की विद रबड़ी।